चलिए, आज जैसा हम लोग आपसे बात हुई थी कि आज का हम लोग का टॉपिक है फंजाई। फंजाई के बारे में हम लोग जानेंगे क्या चीज़ है, इसके जनरल करेक्टर्स क्या हैं, ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे आप फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ते हो जिसमें कहते हो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, उसी में एक अलग किंगडम बनाएगा, दैट इज द फंजाई। ये फाइव किंगडम सिस्टम जो व्हिटकर साहब ने दिया था उसमें क्या है, फंजाई का एक सेपरेट किंगडम है, ना ये अपने आप में प्लांट है, ना ये एनिमल है, ना ये मुनेरा है, ना ये प्रोटिस्टा है, इट इज ओन सेल। ये क्या है, अपने आप में फंजाई है। इसका एकदम करेक्टर ही क्या है, एकदम अलग है, यूनिक इन करेक्टर। ठीक है, वो क्या करेक्टर्स होते हैं, तो फंजाई जो क्या होते हैं, दे आर द यूकैरियोटिक, इट इज नॉट द प्रोकैरियोटिक। जैसे मुनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, बाकी सब के सब यूकैरियोट है, तो फंजाई भी क्या है, इट इज द यूकैरियोटिक। व्हाट इज मतलब है यूकैरियोटिक, क्या, यस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए, क्या पाया जाए, ट्रू न्यूक्लियस पाए, मेम्ब्रेन बाउंड से घिरी हुई ऑर्गेनेली पाए जाए, वो क्या है सब यूकैरियोटिक्स हैं। दे आर हेटरोट्रॉफिक, ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक, दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले, विच मेक ओन फूड लाइक दैट प्लांट, प्लांट अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफिक। बट फंजाई द हेटरोट्रॉफिक लाइक दैट एनिमल्स, अन्य जो भी हैं उनकी तरह क्या है, दे आर द डिपेंड्स ऑन द अनदर फॉर द फूड। इट इज द यूनिसेलुलर टू फिलामेंटस, एक सेल के भी फंजाई हैं और कई सेल से जुड़ के फिलामेंटस टाइप के भी फंजाई आपको दिखेंगे। इट इज द स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इस पर क्या डेवलप करते हैं, स्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर डेवलप करते हैं। इट रिप्रोड्यूस बाई द सेक्सुअली एज वेल एज द एसेक्सुअली। इट इज द यूकैरियोटिक, कंटेन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली लाइक दैट न्यूक्लियाई, माइटोकांड्रिया, गाल्जी ऑपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जितनी भी मेम्ब्रेन से घिरी हुई सेल ऑर्गेनेली हैं सब के सब इसमें पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के, चूंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक तो है नहीं, ऑटोट्रॉफिक नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, बाकी सब न्यूक्लियाई, माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। इट हैव द रिजिड सेल वॉल, इट हैव द रिजिड सेल वॉल, एनिमल के केस में क्या होता है, डज नॉट हैव द सेल वॉल, प्लांट में क्या होता है, इट हैव द सेल वॉल। तो प्लांट के जैसे सेल वॉल तो होता है, बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, किसका बना होता है, काइटिन का, जबकि प्लांट में किसका बना होता है, सेलुलोज का, दैट आर द मेड अप ऑफ द सेलुलोज। यहाँ पे सेल वॉल तो है, लेकिन वो सेल वॉल किसका बना है, दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ द ऑर्गोस्टेरॉल, इट लैक द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, देयरफॉर इट इज द कीमो हेटरोट्रॉफ्स, इट इज द कीमो हेटरोट्रॉफ, कीमो का मतलब इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन थ्रू द सराउंडिंग, या किसी भी होस्ट के द्वारा क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम नहीं है प्लांट की, एनिमल की तरह कि भोजन ले उसको डाइजेस्ट करे, बना बना एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, डायरेक्टली क्या कर लेता है, सक कर लेता है। इट इज द कीमो हेटरोट्रॉफिक, रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द बोथ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, इट मीन्स इट इज द नॉट ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, इट इज द हेटरोट्रॉफिक। इट इज द ऑस्मोट्रॉफिक, ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा, इट एब्जॉर्ब द फूड थ्रू द सराउंडिंग, बाहर के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपने सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, भोजन लेते हैं, लेने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्ट होता है, वहां पे जाके एब्जॉर्ब होता है,
लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि एक सेल के बने हैं, इनमें इंटेस्टाइन और वो सब तो होंगे नहीं, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, सराउंडिंग से अपने चारों तरफ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द कई वो है, तो दैट इज द ऑस्मोट्रॉफिक। इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट एज द सैप्रोफाइट एज वेल एज द पैरासाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? यस, व्हिच ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे है, दैट आर कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट, यानी इट मीन द डिकेइंग मैटर, जो नष्ट हो रहा है, जैसे बहुत सी चीजें हैं, प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं, सड़ने गड़ने लगती हैं, या कोई जानवर मर जाता है, सड़ने गड़ने लगता है, तो दैट आर द ऑब्टेन फ्रॉम द सैप्रोफाइट एज वेल एज द पैरासाइट। इट ऑल्सो एक्ट एज द पैरासाइट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब लिविंग से लेंगे तो पैरासाइट के रूप में रहेंगे, जब डेड से लेंगे तो दैट आर कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट। इस मीन फंजाई इज द बोथ सैप्रोफाइट एज वेल एज द पैरासाइट। इट इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड एज वेल एज द सेक्सुअल मेथड बाय द प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। स्पोर्स डेवलप करते हैं और उसके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई द बडिंग नॉन रिप्रोडक्टिव मेथड या हाइफल्टी फेलांगेशन, बहुत से हैं, कोई भी फिलामेंट है ब्रेक कर गया, फ्रेगमेंटेशन वगैरह बहुत से मेथड। फूड स्टोरेज मटेरियल की बात करें फंजाई में, तो फूड स्टोरेज मटेरियल जनरली इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड एंड ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट में क्या होता है, किस रूप में स्टोर होता है फूड, स्टार्च के रूप में, एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में। तो कुछ करेक्टर देखिए इसका क्या है, एनिमल जैसा है, इट एब्जॉर्ब द फूड इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड एंड ग्लाइकोजन। इट स्टोर द फूड स्टोरेज मटेरियल इन द लिपिड एंड ग्लाइकोजन, नेवर द स्टार्च, कभी स्टार्च नहीं होता। स्ट्रक्चर की बात करें कैसा फंजाई दिखता है, तो इट इज द यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे ईस्ट सबसे सिंपलेस्ट फंजाई है, दैट इज द यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर, जैसे मोल्ड देखते हो ना, मोल्ड ब्रेड रखते हो तो तमाम इस डेवलप कर जाते हैं फंजाई, तो दैट आर द सिंगल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ये नहीं कह सकते कि सब के सब मल्टीसेलुलर होंगे या सब के सब एक, कई तरह का डाइवर्सिटी है। एक को हम लोग देख लेते हैं, इट इज द सिंगल सेल फंजाई, दैट इज द ईस्ट। ईस्ट इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंजाई विथ सिंगल न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली एज वेल एज द बाइकोल, जैसे एक सिंपल सेल होती है यूकैरियोट की। इट रिप्रोड्यूस बाय द बडी, रिप्रोड्यूस बाय द, देख रहे बड निकला, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बड से सेपरेट होते जाएंगे और नए नए ईस्ट बनते जाएंगे। इन दिस प्रोसेस ए न्यू सेल फॉर्म एट द सर्फेस ऑफ द ओरिजिनल सेल इन लार्ज एंड देन ब्रेक फ्री टू लाइव इंडिपेंडेंट। तो इसी क्या कहते हैं बडी, मतलब एक सेल कहीं से इन्वेजिनेट की और फिर वो सेपरेट हो गई, फिर उस पर करके, तो इस तरह को क्या कहते हैं बडी। ये बड़ा कॉमन है ईस्ट के केस में, जैसे मोल्ड, मोल्ड में क्या है, इट इज द मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, देख रहे हैं कि बने हुए हाइफी होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द माइसिलियम, उसको क्या कहते हैं, मेड अप ऑफ द फाइन ब्रांचिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा थ्रेड लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द हाइफी, उसको क्या कहते हैं हाइफी, और पूरे क्लब को क्या कहते हैं ग्रुप को, दैट आर कॉल्ड एज द माइसिलियम। ये शब्द याद रखना बार बार आएगा, इनके क्या होंगे बहुत से फिलामेंट होंगे, तो जो सिंगल होगा दैट आर कॉल्ड एज द हाइफी, और जब पूरा कंजुगेट करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट आर कॉल्ड एज द माइसिलियम। इट मेक द वेब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द माइसिलियम, ठीक है। इन सम फंजाई हाइफी इट इज डिवाइडेड इन टू द सेल, उसमें क्या होता है एक ही सेल होता है पूरा का पूरा, एकदम क्लियर कट होता है, कोई उसमें सेपरेशन वाल नहीं होती है हाइफी में, कुछ में क्या होता है सेपरेशन वाल होती है, कई वो डिवाइड होते हैं। इट हैव द कंपार्टमेंट आर द सेप्टम लाइक दैट, ये देख रहे हैं
यहाँ पे क्या है, कोई सेपरेशन वाल नहीं है, पूरा का पूरा एक ही सेल है, पूरा इनवाइलेट करके ढेर सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है, और यहाँ पे क्या होगा सिम्प्टम डेवलप कर जाते हैं। तो दो तरह की फंजाई भी हो गई, सेप्टेट एंड एसेप्टेट, एक में सेप्टा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेप्टम इज द सेंट हैज द सेंट्रल पोर, जो सेप्टम होगी जो सेपरेट करेगी दो सेल अलग अलग, उनके बीच में क्या होता है एक माइन्यूट पोर होता है जिसके सहारे क्या होता है एक सेल से दूसरे सेल में आदान प्रदान होता रहता है भोजन का या न्यूट्रिशन का जो भी है। तो इट हैव द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। टाइप ऑफ द हाइफी, किस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी होंगे, इट हैव द थ्री टाइप, इट इज द थ्री टाइप। फर्स्ट इज द सिनोसिटिक, सिनोसिटिक आर नॉन सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी विद द यूनि न्यूक्लिएटेड सेल, सेप्टेट हाइफी विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अब यहाँ पे टर्म आया सिनोसिटिक नॉन सेप्टेट, ऐसा हाइफी है जिसमें कोई सेप्टम नहीं है लेकिन ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, तो सेल तो शुरुआत हुई थी एक सेल से, ढेर सारे न्यूक्लियस कैसे डेवलप कर गए, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्या करें एक ही न्यूक्लियस था डिवाइड एंड रीडिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियस बना ले, क्लियर। उस तरह कंडीशन को क्या कहते हैं सिनोसिटी। एक आता है सिनसिटियम, सिनसिटियम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब आता है, जब ढेर सारे सेल हैं सब में एक एक न्यूक्लियस है, उनके बीच की वाल्व क्या हो जाए डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व हो जाएगी तो तभी भी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं सिनसिटियम, ठीक है। तो दैट हैव द सिनोसिटिक नॉन सेप्टेट हाइफी, ये क्या है सेल तो न्यूक्लियस में एक ही था लेकिन वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया। तो फर्स्ट हाइफी इज द सिनोसिटिक और नॉन सेप्टेट हाइफी। नेक्स्ट इज द सेप्टेट हाइफी विद द सिंगल न्यूक्लियस, सेप्टम डेवलप किया और सब में एक एक न्यूक्लियस ही थे यूनि न्यूक्लिएटेड, सेप्टम डेवलप भी किया और न्यूक्लियस भी क्या हो गए सब में ढेर सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो तीन तरह की हाइफी पाई जाती है, फर्स्ट इज द एसेप्टेट सिनोसिटिक, दूसरा सेप्टेट यूनि न्यूक्लिएटेड, दूसरा सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, ठीक। फॉर डिफरेंस इन बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड, खैर आपके टॉपिक में नहीं है कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट इज द, ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअली एज वेल एज द एसेक्सुअली बाय द स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द फंजाई व्हेन द स्पोर फॉर्म बाय द माइटोसिस, जब माइटोसिस के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो होता तो उसमें क्या होगा, मैंने क्या कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस प्लस फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो केवल माइटोसिस के द्वारा अगर स्पोर डेवलप करते हैं तो दैट आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज स्पोर्स मे बी वेरियस टाइप, इट मे बी द कोनिडिया, इट मे बी द स्पोरेंजियोस्पोर्स, इट मे बी द आर्थ्रोस्पोर, क्लेमाइडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, मीओ स्पोर, बहुत ढेर सारे स्पोर बनते हैं, बहुत तरह की फंजाई में अलग अलग बनेंगे, तो कितने का हम नाम लें ये समझिए कि इस तरह के स्पोर्स इसमें बनते हैं, लाइक दैट क्लेमाइडो स्पोर, आर्थ्रो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर, टेलिटो स्पोर, ठीक है। तो दैट आर द वेरियस टाइप ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर लाइक दैट, ये देखो वाल पे क्या बना टिप पे एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजियोस्पोर, इसमें ढेर सारे स्पोर बनेंगे, ये क्या हो गया कोनिडिया डेवलप कर रहा है, देखिए टिप पे क्या हो रहा है बार बार गोल गोल ऐसे सेपरेट कटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, दिस इज कॉल्ड द कोनिडियो, यहाँ पे क्या है आर्थ्रोस्पोर, ये है क्या बीच बीच में क्लेमाइडोस्पोर। तो वेरियस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, जब डिटेल कोई स्पीसीज पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या क्या होता है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कंपैटिबल न्यूक्लियाई यूनाइट विद इन द माइसीलियम एंड फॉर्म द सेक्सुअल स्पोर। अब ये दो न्यूक्लियाई भाई बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बताया, या तो एक सेल का होगा या मल्टी सेल का होगा, होगा तो क्या होगा, हाइफी बनाएगा, बहुत यही तो करेगा। तो दो आपस में अगल बगल सेल हैं, वो दोनों के न्यूक्लियाई क्या हो जाए, आपस में फ्यूज कर जाए। वो कैसे फ्यूज करेगा, या दो डिफरेंट हाइफी के दो सेल आपस में न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाए और उनसे जो स्पोर डेवलप करेंगे तो क्या कहलाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर। दैट इज द कंपैटिबल न्यूक्लियाई यूनाइट विद इन द माइसीलियम। देखिए जैसे दो माइसीलियम है, आपस में आए, फ्यूज किए, फ्यूज करके क्या बना लिया, देखे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर नया स्पोर डेवलप कर लिया। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि एक क्या है, अपोजिट स्ट्रेन है, एक जो जिसे न्यूक्लियाई चलेगा दैट इज द पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरा निगेटिव स्ट्रेन। तो व्हेन द सेल यूनाइट द न्यूक्लियाई फ्यूज एंड फॉर्म द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंजाई, ये पढ़ते क्यों हैं, क्या इम्पॉर्टेंस है, तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज द एजेंट ऑफ द बायोडिग्रेडेशन एंड बायो डिटोरिएशन। डिग्रेडेशन क्या है, बायोडिग्रेडेशन, अगर ये न रहते तो सारी चीज़ें क्या होती, सड़ती गलती नहीं, फिर ख़त्म नहीं होती। साइकिल नेचर में क्या होता है, ये डिग्रेड करने का काम करता है। जैसे ब्रेड रखे, कोई भी खाने की चीज़ रखते हो, उसमें फंगस लगते हैं, कुछ दिन के बाद फंगस सब सफा चट करके फिर नेचर में सामान लेगा। तो दैट इज द एजेंट ऑफ द बायोडिग्रेडेशन, नेचुरली डिग्रेड करता है, क्या करेगा, नेचुरली डिग्रेड करेगा। अगर नहीं रहते ये फंजाई बैक्टीरिया तमाम तरह डिग्रेडिंग एजेंट, तो क्या होता, इतनी सड़न गलन होती कि फिर आप रह नहीं पाते, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज द इम्पॉर्टेंट एजेंट फॉर द बायो डिग्रेडेशन। इट इज ऑल्सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट, इट इज यूज इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन समझ रहे हो, किड़वन क्या करते हैं इसके द्वारा, हाँ बहुत से प्रोसेस है, सिरका बनना, दही बनना, शराब बनना, सब क्या है, फर्मेंटेशन है। इवन ब्रेड भी है लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके द्वारा क्या होता है, एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इट इज आल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये ईस्ट यही काम तो करता है, तमाम तरह के फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेशन का काम करते हैं। तो दिट इज यूज इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। आल्सो सम फंजाई आर द यूज एज द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आता है। जो पहला एंटीबायोटिक बना था वो बैक्टीरिया से नहीं बना था, दैट इज द आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई विच इज द पेंसिलिन, अब काम नहीं करता है उतना, लेकिन जो पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डेवलप किया था दैट इज द पेंसिलिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेंसिलियम नोटेटम, एक फंजाई है जिससे उसको ऑब्टेन किया गया, ठीक है। तो अब तो ज़्यादा जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, लेकिन फंजाई भी एक सोर्स है किसका, एंटीबायोटिक बनाने का। इट इज जैसे एस्परजिलस नाइजर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड समझ ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज फॉर द एल्कोहल प्रोडक्शन, ठीक है, गन्ने के जूस से ग्लूकोज के जूस को किस में से कन्वर्ट कर देते हैं, शराब में, एल्कोहल ही है। तो नाम भले भले अलग अलग कंपनी का, सब तो सब क्या है, एल्कोहल है, C2H5OH। तो C2H5 ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो एल्कोहल में भी इट इज ऑल्सो यूज इन द बायो रेमिडेशन रिड्यूस द टॉक्सिक कंसंट्रेशन। बायो रेमिडेशन एक प्रोसेस होती है, बायो रेमिडी। अब कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया या बहुत ज़्यादा हैजार्डस एलिमेंट आ गए, बहुत से फंजाई हैं, उन्हीं को क्या कर देते हैं, सफा चट कर जाएंगे। तो वहाँ पे काम क्या करता है, यूज एज द बायो रेमिडेशन, ठीक है। अभी
जैसे कभी कल क्या होता है जहाज़ों के टैंकर से तो सऊदी अरबिया में तेल होता है, अब वहाँ से पाइप तो लगा नहीं है, तो पहले बड़े बड़े टैंकर जहाज़ होते थे, उन पानी के जहाज़ों से पानी तेल भर के आता था, बीच में कहीं से टकरा गया हो या भरपूर की उससे टकरा गया और पूरा का पूरा जो है टैंकर फट गया। तो टैंकर फट जाएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा ऑयल फैल जाएगा, और तेल जब फैलता है तो देखिए ही वो पानी में भी डाले होते एक पतली फिल्म बना लेगा, पूरा का पूरा ऑक्सीजन एयर का ट्रांसपोर्टेशन क्या कर देगा, रोक देगा, यानी नीचे उस जल के जितने भी जीव रहेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी बड़े बड़े उसमें मछलियां हैं तमाम सड़ने गलने लगेंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे केस में क्या हुआ, बहुत से ऐसे फंजाई सुपर बग दम लगती है जो क्या करते हैं, वो ऑयल को चट कर जाते हैं, पूरा का पूरा एक टैंकर वहाँ ले जाके कर दो सब के सब क्या करेंगे। दैट इज द बायो रेमडी रेमडेशन रिड्यूस द टॉक्सिक कंसंट्रेशन। टॉक्सिक मतलब जो हानिकारक चीज़ें आपके शरीर में भी बहुत सी टॉक्सिक एलिमेंट है उनको भी रिमूव करने का काम करता है। इट इज आल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर फॉरेस्ट्री लाइक दैट, बायो फर्टिलाइजर के रूप में पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो पेस्टिसाइड केमिकली यूज करते हैं उसकी जगह बैक्टीरिया से बने हुए पेस्टिसाइड यूज करिए, ज़्यादा एक तो केमिकल इफेक्ट नहीं होगा, देख ही रहे हैं पेस्टिसाइड यूज करने का असर, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करने का, धीरे धीरे क्या हो रहा है पूरे नेचर में अब ये घुल रहा है। पहले हम लोगों ने क्या किया, कीड़े मारने की दवा डाली खेतों में, वैक्सीन कई DDT का छिड़काव किया, कभी गिद्ध देखे हो, सुने हो गए चित्र में देखे हो, हम लोग देखे हैं खत्म हो गया, देखते देखते पूरी पूरी प्रजाति उसकी खत्म हो गई। रीजन जानते हो, देखो आपके किए कुकर्म का क्या इफेक्ट पड़ा, आप लोगों ने खेतों में खूब DDT का छिड़काव किया, DDT का छिड़काव करने से क्या होगा, पानी में मिला साथ में धान गेहूँ जितने ग्रास है उनमें गया, जाने के बाद क्या हो, उन्हीं घास को खा के गाय जानवर सब उनके अंदर गया, उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, वो भी जी ले कोई बात नहीं, थोड़ा जहर खा ही रहे हैं हम लोग डेली, तमाम केमिकल इस तरह का ले ही रहे हैं इंसेक्टिसाइड, लेकिन वो हमारे बॉडी के क्या हो गया, फूड चेन में इंटर कर गया, फूड चेन में इंटर कर गया, हमारे मांस में कंसंट्रेट हो गया, और एक कंसंट्रेशन होते होते जब वो जानवर मरा और गिद्ध उसका मांस खाया तो वहाँ उसको इम्पैक्ट डाला, और उसके जो अंडे होते थे अंडे को क्या होता है, एक मुर्गी का अंडा कभी देखे हो, सेवते होते जो एक पीरियड के बाद ही उसमें से चूजा निकलता है, हर पक्षी का ऐसा ही, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद ही वो जो है उन्हें अदरवाइज उसकी सेल इतनी पतली हो गई उसकी इफेक्ट की वजह से, तो क्या हो गया वो अंडा कभी चूजे में कन्वर्ट करा नहीं, उसके पहले ही खत्म हो गया, यानी न रहेगा चूजा न रहेंगी वहाँ, धीरे धीरे पूरी पूरी प्रजाति क्या हो गई खत्म, आपके एक इम्पैक्ट हो गया, एक उदाहरण मैंने बताया। तो इनकी जगह बायोपेस्टिसाइड का आप चलन चला है कि आप नीम का यूज करिए, नीम की खली यूज करिए, थोड़ा कम असरदार होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा ना इंसेक्टिसाइड नहीं था तो होता नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं पुराने सिस्टम पे। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई क्लास, फंजाई आर द डिवाइडेड इनटू द 4 डिवीजन, एस्कोमाइटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना एंड ड्यूट्रोमाइसिटी। एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, पूरे किंगडम को चार भागों में एक एक को देखते हैं। व्हाट इज द एस्कोमाइसो एस्कोमाइसिटीज, जो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर जहाँ बनते हैं, मैंने बताया ना सेक्सुअल स्पोर मतलब जो फ्यूजन के बाद जो स्पोर बनते हैं, इट प्रोड्यूस विद इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द एस्कस, क्या कहते हैं उसको एस्कस, देखो यहाँ पे जो स्पोर बनता है दैट इज कॉल्ड एस्को स्पोर, और एक सैक में
एक बैग में बनना है, दिस इज कॉल्ड एज इस संजाई का करेक्टरिस्टिक है कि जो भी सेक्सुअल स्पोर या स्पोर डेवलप करेंगे दैट आर प्रोड्यूस इन साइड द एस्कस, इसीलिए इसको क्या कहा गया एस्कस। तो जितने भी मेंबर होंगे सब में क्या डेवलप करेगा एस्कस एंड सेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड एज द एस्को स्पोर, क्या कहेंगे इसको एस्को स्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कोनिडिया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं एस्कोमाइसिटी इज आल्सो नोन एज द सैक माइसिटी, सैक मतलब एक बैग, ठीक है सैक माइसिटी। हाइफी जनरली द सेप्टेट, इनकी हाइफी क्या होती है सेप्टेट होती है, फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस आर्थ्रोडर्मा बहुत से हैं। नेक्स्ट द बेसिडियोमाइसिटी, यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा दैट इज द बेसिडियो स्पोर, क्या होगा बेसिडियो स्पोर, वहाँ पे क्या था एस्को स्पोर, कहाँ बनता था एस्कस में, यहाँ पे है बेसिडियो स्पोर और वो कहाँ बनेगा बेसिडियम में, कहाँ बनेगा बेसिडियम में। तो सेक्सुअल स्पोर इज द प्रोड्यूस एक्सटर्नली, प्रोड्यूस एक्सटर्नली वहाँ कहाँ बन रहा था एस्कस के अंदर, एस्कस के अंदर एस्को स्पोर था ना, यहाँ पे बाहर बनेगा, देख रहे हैं ये बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर क्या हो रहा है तमाम इस तरह बर्ड लाइफ स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है दैट आर कॉल्ड द बेसिडियो स्पोर, इसको क्या कहते हैं बेसिडियो, इट प्रोड्यूस एक्सटर्नली इट इज द एक्सटर्नली, सेक्सुअल स्पोर इज द प्रोड्यूस एक्सटर्नली ऑन द बेसिडियम दैट आर कॉल्ड एज द बेसिडियो स्पोर, इसको क्या कहते हैं दैट इज द बेसिडियो स्पोर। यहाँ भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे वहाँ कोनिडिया में होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है, दैट टेक प्लेस बाय द कोनिडिया। यहाँ भी जो है ए बेसिडियम मिलके क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बराबर अलग ढंग का फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं दैट इज द मशरूम, मशरूम देखे हो कुकुरमुत्ता छतरी नुमा स्ट्रक्चर बना, बेसिडियम है क्या वो बेसिडियम है, तो पूरा एक माइसिलियम जुड़ के एक बड़ा छाते नुमा स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड एज द बेसिडियम। तो जितने भी मशरूम वाला है वो सब यही है दैट आर द बेसिडियम माइस, यहाँ भी जनरली इट इज द सेप्टेट, हाइफी क्या होती है सेप्टेट, एग्जाम्पल मशरूम एगेरिकस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज द जाइगोमाइसिटी, हियर द सेक्सुअल स्पोर इज नोन एज द जाइगो स्पोर, क्या कहते हैं एस्को स्पोर बेसिडियो स्पोर और यहाँ पे क्या जाइगो स्पोर, जाइगो स्पोर इज द फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू सिमिलर सेल, टू सिमिलर सेल, देखिए यहाँ क्या है दो हाइफी सेल है आपस में फ्यूज किए, फ्यूज करके स्ट्रक्चर बना ले दैट इज कॉल्ड एज द जाइगो स्पोर, ठीक है दिस इज द जाइगो स्पोर एरिया और इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज द जाइगो, इसलिए क्या कहते हैं जाइगो, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया जाइगो माइसिटी, जाइगो माइसिटी, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो होगा दैट इज टेक प्लेस बाय द स्पोरेंजियो फोर्स, यहाँ कोनिडिया वगैरह से नहीं होगा दैट इज बाय द स्पोरेंजियो फोर्स, बट हियर हाइफी इज द एसेप्टेट, अभी तक दोनों में सेप्टेट था यहाँ पे क्या है एसेप्टेट, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड राइजोपस म्यूकर इंटर में पढ़े होंगे, ड्यूट्रोमाइसिटी, ड्यूट्रोमाइसिटी दैट इज आल्सो नोन एज द फंजाई इम्परफेक्टाइट, फंजाई इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है, इस तरह की फंजाई में सेक्सुअल स्ट्रक्चर सेक्सुअल स्टेज देखा ही नहीं गया, होता ही नहीं है कि नहीं होता है क्या होता हो सकता हो आप पता ही नहीं कर पाए। तो जिन जिन फंजाई में सेक्सुअल स्टेज नहीं अब्सेंट होता है ऑल आर केप्ट अंडर द ड्यूट्रोमाइसिटी, कहाँ रख देते हैं ड्यूट्रोमाइसिटी, इसीलिए दिस इज आल्सो नोन एज द फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई ओनली इट इज द रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड नहीं होता है केवल एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मीन्स ऑफ द कोनिडिया।
और जितने भी मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल पैथोजेंस आर द प्रेजेंट इन द क्लास, जितने भी डिजीज काज करने वाले हैं, सारे की बात नहीं कर रहा, मोस्टली ऐसा नहीं है एस्कोमाइसिटी जब एसिटियोमाइसिटी बड़े दूध के धुले हुए हैं वो भी डिजीज काज करते हैं, बट जनरली ऑल आर द ड्यूट्रोमाइसिटिस बिलोंगिंग टू द ड्यूट्रोमाइसिटिस लाइक दैट ट्राइकोफाइटान इपीडर्मोफाइटान हिस्टोप्लाज्मा कैंडिडा दाद खाद खुजली होता है वो भी सब इसी के बिलोंग करते हैं, किससे ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई, और भी बहुत से करेक्टर्स हैं